मम्मी ट्राई करेगी। ओ, ओ। समंदर उस समंदर में यॉट सी यॉट रुकी हुई है, सुंदर अति सुंदर, ये ना किसी सीनरी जैसा लग रहा है जैसे यहाँ पे। तो सामने हमारे खड़ी है रॉयल रॉयस, ये देखिए कितनी खूबसूरत रॉयल रॉयस है यहाँ, यानी कि 5 लाख का लगा हुआ है ये घर। लोगों की जान गई थी, ये सारे पिक्टन के थे। हाँ, उनकी सामने फेरी आ रही है ना पहाड़ों को चीरती हुई। कैसे हैं दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फेरी पे, पिक्टन में हैं, रात को यहीं सोए थे, अभी पिक्टन भी थोड़ा घूमेंगे और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इस होटल में इंक्लूडेड था। तो ये देखिए मैं ले आया हूँ क्रिसोंट, ब्रेड जैम है, कॉफ़ी है, जूस है और मिल्क है। मैं रूम में ही ले आया हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। ये देखिए सारी रात सोए नहीं वानी, और मम्मी का भी सुबहते सुलाते, अभी मम्मी की भी नींद नहीं पूरी हुई, मम्मी बेचारी फिर उठ खड़ी हुई है। देखिए जैस, तो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, शावर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। ये कितना सुंदर है, यहाँ से मॉर्निंग का व्यू है, वो देखिए सामने पहाड़ और इस साइड भी पहाड़ हैं, उस साइड भी पहाड़ हैं, वो सामने मार्केट जहाँ से हमने रात को शॉपिंग की थी। गुड मॉर्निंग, फिर से आपको गुड मॉर्निंग है जी। चेकआउट कर लिया है हमने होटल से, जैस भी आ गई है, ये देखिए बच्चों को बिठा दिया है पीछे, और अब देखते हैं पिक्टन घूमते हैं, थोड़ा गाड़ी में तेल डलवाते हैं क्योंकि अभी तो बजे हैं 10 और हमारी फेरी है 2 बजे की, तो 4 घंटे हैं, 1 बजे आप अंदर जो चेक इन कर सकते हैं, तो 12:30 तक हम जाएंगे फेरी के पास। उससे पहले जो हमारे पास समय है उसका अच्छे से उपयोग करते हैं, घूमते हैं पिक्टन और आपको भी घुमाते हैं पिक्टन। हैमर हार्डवेयर आ गया, ये है हाई स्ट्रीट, तो हाई स्ट्रीट पे काफी सारी शॉप्स हैं, तो इस साइड चलते हैं पेट्रोल पंप देखते हैं पहले, सबसे पेट्रोल की टैंकी फुल करा लेते हैं ताकि फिर वेलिंगटन से जब उतरेंगे फेरी में तो घर तक हमें पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं है। जब ये गाड़ी, जैसे मैंने बताया कि रेंटल गाड़ी है, जब जब लुटानी होती है तो उन्होंने फुल टैंक दिया था, उनको भी फुल टैंक वापस देना होता है। तो जेड एनर्जी है यहाँ पे, तेल काफी महंगा है, चलो कोई बात नहीं डलवा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये है जेड एनर्जी, कोई जी कह देता है कोई जेड कह देता है, लाई बाय वाला इनके पास कार्ड होता है, वो भी नहीं है हमारे पास। तो $70 का हमने जो ऑयल डलवा लिया है, डीजल प्राइस था $2.02 लीटर यहाँ पे, और कितना पड़ गया 34.52 जो लीटर है डीजल आ गया है। अब हमें घर तक डीजल की परवाह करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ फेरी में ही बैठना है और उसके बाद वेलिंगटन से हेस्टिंग जो के 3.5 घंटे का रास्ता है इसी टैंक से हो जाएगा। तो देख लीजिए आप पिक्टन का व्यू, ये है पिक्टन की हाई स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट कहा जाता है। सामने देखिए वो कुछ पहाड़ी पे आपको घर भी दिखाई दे जाएंगे। तो अब चलते हैं इस साइड, ये है जी कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, ये है बस बाजार, इतना सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ब्लेनम ही है। अगर आप कुछ ज्यादा खरीदना चाहते हैं, कुछ ज्यादा चीजें करना चाहते हैं, तो ब्लेनम जो है सबसे बड़ा शहर आता है पिक्टन के पास। तो अगर आप देख, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि अगर आप पिक्टन में रुकने का सोच रहे हैं तो क्या क्या है यहाँ पे और कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे। फोर स्क्वेयर आ गया, ये देखिए ये वाला आ गया फोर स्क्वेयर, हार्डवेयर की शॉप है एक, फोर स्क्वेयर से आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे ग्रोसरी वगैरह। ये पिक्टन पिज्जा कबाब आ गए यहाँ पे ना, मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट भी देखा था कल रात गूगल पे, तो शायद यहीं कहीं होगा वो भी। ये अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पेलेस वाले हैं, ये आ गया स्पॉटलाइट वाले, वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है 1914 से 1918 कुछ लिखा हुआ है उसे पे, उस ये पिक्टन का शायद आइकॉनिक होगा कुछ, आप भी देख लीजिए सामने। तो अब चलते हैं इस साइड देखते हैं, ग्लोरियस डेड लिखा है, पता नहीं
डीड लिखा है कि डेड, पता नहीं क्या लिखा है। साबे है यहाँ पे, कल को तो हमें पता नहीं चला, यहाँ पे अब दिखाई दिया साबे, उस साइड दूसरी साइड था। तो ये है जी दूसरी स्ट्रीट, देख लीजिए। इस स्ट्रीट से अगर आप फेरी से उतरते हैं तो इसी स्ट्रीट से आप जाते हैं ब्लेनम, और बाहर को आपको निकाल देगी ये स्ट्रीट। अब सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं क्या क्या है पिक्टन में। तो ये आ गया जी हमारा कल का होटल था, उस साइड नहीं हम गए थे। तो ये था जो आपको बिग बैरल के बाद में ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, ये वाली, ये वाला था हमारा होटल, पिक्टन यॉट क्लब होटल, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ये एक और होटल आ गया इस साइड, इस साइड शायद होटल्स ही होंगे, और काफी पॉपुलेशन भी दिखाई दे रही है इस साइड पे, इस साइड काफी हाउसिंग है। ये देखिए पहाड़ी पे आपको घर ही घर यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, और काफी येलो सा कलर आया हुआ है पहाड़ी पे, सुंदर लग रहा है। देख लीजिए हाउसिंग कैसी है पिक्टन में, शॉप्स इतनी नहीं है लेकिन हाउसिंग जो है काफी खूबसूरत से घर यहाँ पे। शायद ऐसा होगा कि जिनके पास पैसा है वो यहाँ पे हॉलीडे होम लेते होंगे, क्योंकि ताकि उस समंदर का व्यू हो सके उनको, इसीलिए शायद डबल स्टोरी होंगे। मेरे ख्याल से ये ना सारे हॉलीडे होम ही होंगे। ये एंकर लॉज मॉडल था, ये तो मॉडल था बड़ा था। किसी भी सिटी में इतने सारे डबल स्टोरी घर नहीं देखे पहले। कैसा लगा पिक्टन आपको जैस? वेरी नाइस। तो जैस को नाइस लगा? हाँ, छोटा सा शहर है ना, यहाँ पे एक है हॉट फूड टेक अवे भी है, सुपर फूड स्टोर जिसे कहा जाता है। और ये देखिए आप, और देख लीजिए घर, अभी पिक्टन ही चल रहा है। आ गए होंगे हम सिटी सेंटर से 2 किलोमीटर बाहर, लेकिन अभी भी जो हाउसिंग है ना काफी है। मुझे लगा था कि पिक्टन जो है खत्म हो जाता है वहीं पे, सिटी सेंटर के पास पास में ही होगा, लेकिन पॉपुलेशन है यहाँ पे। यहाँ पे क्वीन शार्लट कॉलेज भी है, अरे वाह, पिक्टन में तो कॉलेज भी दिखाई दे गया हमको भाई। तो आगे न्यू हाउसिंग आ गई है पिक्टन से थोड़ा बाहर निकलकर, ये देखिए अभी है। तो ये सारे इधर न्यू हाउसेस बने हुए हैं, इनका भी समंदर का व्यू, क्योंकि इतना सुंदर एरिया है तो जब भी आदमी इतने सुंदर एरिया देखता है तो हाउसिंग जो है एक्सपेंड होती होती है। और आने वाले सालों में भी मुझे पूरा यकीन है कि पिक्टन और बड़ा होगा, क्योंकि इस साइड सारे नए घर हैं। अरे वाह, शॉप्स तो फिर इस हिसाब से कम हुई जैस कि नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पे घर हमको दिखाई दे रहे हैं, पीपल दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से तो बहुत कम हुई हाउसिंग। 4,310 पीपल की पॉपुलेशन है जस्ट। अरे वाह, 4,500 भी नहीं है। तो 4,500 फिर तो ठीक है, लेकिन क्योंकि आकार हुआ कि तो 1,000 भी नहीं थी वहाँ पे तो। लेकिन जो कायकोरा था उसकी तो 2,000 थी, फिर भी वहाँ पे कितना बड़ी मार्केट। हाँ, कायकोरा के हिसाब से ये पिक्टन फिर बड़ा निकला शहर है ना, इस साइड भी पूरी। ये देखिए अभी तक हाउसिंग चल रही ही है, लोग दिखाई दे रहे हैं। हम पिक्टन से ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर मेन मार्केट से बाहर आ चुके हैं, तो काफी बड़ी पॉपुलेशन है भाई। तो लो जी हम आ गए हैं पिक्टन का जो जहाँ से दूसरा शोर है वहां पे आ गए। ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है यहाँ पे, समंदर और समंदर में यॉट सी यॉट रुकी हुई है, अभी भी सामने पहाड़ी पे हमें घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रोकते हैं। ओए होए होए, कितना खूबसूरत सा है यहाँ पे व्यू, बाहर निकल के मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मेरी जो पिछली स्टेटमेंट थी ना उसके लिए माफ करना, जब मैं कह रहा था कि पिक्टन छोटा सा शहर है, पिक्टन छोटा शहर नहीं है, काफी बड़ा शहर है। जैसे जैसे हमने घूमा, मैं पैदल नहीं निकलाया, नहीं तो पूरा दिन ही यहीं लग जाता। और इतना सुंदर शहर, सारा शहर जो है समंदर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे हम रुके हैं, मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ, काफी बड़ा शहर है, ओवर 4,000 इसकी पॉपुलेशन है। इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा लगेगा, न्यूजीलैंड के
हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे साइज का शहर है और इतना खूबसूरत शहर है, क्या कहना। मार्केट इसकी इतनी बड़ी नहीं लगी, दो तीन जो हाई स्ट्रीट है या एक दो और स्ट्रीट्स हैं वहां पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी। इतनी तो होगी कि इतनी सफिशिएंट यहाँ पे होगी कि इन लोगों को अच्छे से इनका जो भी सामान चाहिए मिलता होगा, तभी तो इतनी पॉपुलेशन है। यहाँ पे लगाई गाड़ी और मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। ये देखिए भाई, ओए होए होए, क्या व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है ना। हम सारा कुछ जो शहर है उस साइड छोड़ के आ गए हैं, वो पहाड़ी के उस साइड है, तो काफ़ी 2 या 3 किलोमीटर हम आ गए होंगे। और आप देखिए कितना खूबसूरत है, पानी भी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। देखिए पानी कितना साफ है ना, नीचे तक दिखाई दे रहा है पानी के स्थल। और आप देखिए पानी के अंदर कितनी कश्तियाँ ही कश्तियाँ हैं, और उस साइड आपको पहाड़ दिखाई दे जाएंगे। इस साइड अभी भी जो है काफ़ी हाउसिंग है वहाँ तक, तो ये देखिए वहाँ भी हाउसिंग है। ये सारे पिक्टन शहर के हैं। तो न्यूजीलैंड सच में इतना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत है, कोई भी शहर ले लीजिए, अपनी ही खूबसूरती है उसकी हर एक शहर की। तो ये पिक्टन भी आपने देख लिया, तो प्रॉपरली इस बार मैंने घूम के देखा गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास समय था, हम रात ही आ गए थे, पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, गर्म पानी का शावर लिया है, इसीलिए हम शहर को घूम रहे हैं। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर एरिया है ये मेरे पीछे, बोट्स ही बोट्स और पहाड़ और समंदर। जी जैस भी आ चुकी है बाहर, अब देखिए कितने खूबसूरत व्यू को आपको दिखाएगी जैस। क्या कहना चाहेंगे इस व्यू को देखकर? सुंदर, अति सुंदर, ये ना किसी सीनरी जैसा लग रहा है, जैसे किसी ना पेंटिंग पे ना किसी ने बहुत सारे बोट्स छोटे छोटे ना ड्रॉ कर रखे हों, कितने ना पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। पीछे जो क्लाउड से कवर हुए हैं ना पहाड़, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बिल्कुल पेंटिंग हो, क्योंकि आधा पहाड़ दिखाई दे रहा है आधा दिख भी नहीं रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, मजा आ गया कि नहीं यहाँ पे आके? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सिटी है। पिक्टन में बच्चों को दिखाई देगी है सामने प्लेग्राउंड, और ये बढ़ रहे हैं प्लेग्राउंड की ओर। ये देखिए बिल्कुल समंदर के किनारे ही है प्लेग्राउंड भी। बैठे है ना, तो सारी प्लेग्राउंड है जो अभी सुबह सुबह का समय होने की वजह से शायद बैठे। यस यू कैन गो। ब्रिज पे आ गए हैं पिक्टन के, यहाँ से बोट्स वगैरह जो है रैंप बना हुआ है, यहाँ से बोट वगैरह ये लेकर जाते हैं यहाँ से। तो हाँ जी, तो यहाँ से समंदर से आप बोट वगैरह लेकर जा सकते हैं। यस, कुछ टाइम हम वहाँ स्पेंड किया बच्चों के साथ, प्ले किया, काफी सुंदर सी जो वार्क थी। और अब फिर आ गए हम सिटी की ओर। देखिए तो ये सामने जो आपको हाउसिंग दिखाई दे रही है ये सारी सिटी के अंदर है, यहाँ पे होटल्स वगैरह शॉप्स वगैरह, थ्री स्टोरी का भी ऊंचे ऊंचे घर है, महंगी महंगे घर आपको दिखाई दे जाएंगे पिक्टन में। तो बनाने में भी काफी पैसा लगा हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए कितनी सुंदर सी ये बिल्डिंग है, ये सारे घर एक दूसरे से ऊपर काफी अच्छा लगा मुझको यहाँ पे। यहाँ पे तो सामने हमारे खड़ी है रॉयल रॉयस, ये देखिए कितनी खूबसूरत रॉयल रॉयस है यहाँ पे। तो पिक्टन में हमको रॉयल रॉयस भी दिखाई दे गई है, इसका नंबर है 1RR11। तो बानी को पैक कर लिया गया है मम्मी द्वारा, तो अब घूमते हैं हम थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे। तो अब देखिए ये है जी इनकी मेन जो हाई स्ट्रीट है, तो आप देख सकते हैं हम पूरी फैमिली जो है हाई स्ट्रीट पे चल रहे हैं। ये देखिए जैस पीछे आ रही है, और सहज और मैं और बानी, आपको पता ही है कहाँ होता है मेरे पीछे जो बना हुआ है उसमें, ये देखिए ताकि इसको हवा वगैरह ना लगे। तो यहाँ पे आ गया सिस्टा एंड कंपनी नाम की शॉप आ गई है, ये हेयर ड्रेसर भी है अगर बाल वगैरह कराने हो तो। मारी भाई ये सर है, वो इतनी भाई ये कई गलत आसान
पानी देखिए कितना खुश है पीछे, पता नहीं कितना तो ये आ गया जी गस्त, तो ब्रेकफास्ट लंच कॉफी शॉप आ गई है यहाँ पे। इस साइड आ गया गेटवे मोटेल, इसमें भी हमको अकोमोडेशन मिल रही थी। तो ये है जी रोल इन ए पिग आउट थर्स्टी पिग, तो रेस्टोरेंट लग रहा है मुझको ये जो सामने है वो पिक्टन बुक शॉप है। और सामने इधर पीछे आपको पहाड़ हैं पूरे मार्केट के पीछे आप देख सकते हैं, तो ये पहाड़ों के बीचों बीच समंदर के किनारे बसी हुई मार्केट है। हाँ जी ये रेस्टोरेंट और बार था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख लीजिए। पिक्टन के प्राइस आपको बता देते हैं क्या है, तो 1,000 स्क्वायर मीटर का जो घर है वो लगा हुआ है 4 लाख, यानी कि 5 लाख का लगा हुआ है ये घर। तो हाउसिंग काफ़ी ठीक है, फिर शायद पुराना होगा तो इतना महंगा नहीं, हेस्टिंग शायद इससे ज़्यादा महंगा है। ये 8 लाख का भी लगा हुआ है घर, 1380 स्क्वायर मीटर का, और 4 बेडरूम है, 2 बाथरूम है। ये नया घर है 633 स्क्वायर मीटर का, 7,45,000 का ये वाला है। तो हाउसिंग आप देख लीजिए, यहाँ बोर्ड पे लगता है कि 4 लाख से शुरू होकर पिक्टन में हाउसिंग मिलियन तक जाती है। जो अच्छे अच्छे बहुत अच्छा हाउस आपको यहाँ पे $1,000,000 में मिल जाएगा। $1,000,000 आप अगर 50 से गुना करेंगे तो देख लीजिए 5 करोड़ का यहाँ पे आपको घर, जो इंडिया का 5 करोड़ है, टॉप का घर टॉप की लोकेशन में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए जी हायर आ गया, वो हायर वाली शॉप है ये जेल्स की हायर। आप कोई भी गर्म कपड़ा हायर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कपड़े हायर कर सकते हैं, वो उन्होंने बाहर लगा भी रखे हैं। वो वेब शॉप आ गई है इधर, तो ये देखिए ये कपड़ों की शॉप, कोई भी कपड़ा यहाँ से हायर करना है, जेट स्कीइंग हायर करनी है तो आपको मिल जाएगी। वो हेल्थ केयर है, फार्मेसी है वहाँ पे, दवाइयों की शॉप वो सामने आप देख लीजिए, ये दवाइयों की शॉप है। साथ में ही देखिए एक साथ दवाइयों की शॉप और एक तरफ है हुक्का, जो वेपर हुक्का शॉप उसका नाम है शोशा और उसका नाम शोशा है हुक्का शॉप का। वो आ गई सामने जो हम आइकॉनिक थिंग की बात कर रहे थे, ये देखिए ये पिक्टन का आप सेंटर लगा लीजिए या फिर आइकॉनिक लैंडमार्क लगा लीजिए ये वाला है। तो ये है जी पिक्टन का जो है ग्लोरियस टेड, और इसके अंदर से हम जा रहे हैं। ये देखिए शायद चली गई है, और ये बिल्कुल समंदर के जा सामने इसके समंदर है। ये वॉर का टाइम था है, ये क्या है, मुझे वॉर हुई थी ना 4 साल से, 14 से 18 तक जो वॉर हुई थी ना। हाँ जी मैन ऑफ पिक्टन, इतने लोगों की जान गई थी, ये सारे पिक्टन के थे, उनकी याद में बनाया गया ये। ठीक है, तभी यहाँ पे बना के रखा है ना इन्होंने। इस साइड भी कुछ नाम दिए गए हैं, ये वर्ल्ड वॉर टू में यहाँ पे जो आदमी शहीद हुए थे ना न्यूजीलैंड के, जो पिक्टन से थे, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो चलो जी यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ उतरते हैं, और देखिए आप सामने आ गया आपको। हाँ जी तो सहज को शायद कोई और प्लेग्राउंड फिर दिखाई दे गई है, वहाँ शिप पे बनी हुई। फिर आ गया समंदर, यूनिक सी सीटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दी। देखिए ये रेल वाले जो होते हैं ना टायर, रेल के टायर, उन पे उनको लगा के ना बनाई गई है सीटिंग ये। तो आप भी देख लीजिए काफी मजबूत काफी हैवी जो रेलिंग, रेल के जो चक्के होते हैं उनकी सीट्स यहाँ पे बनाई गई हैं। इन्होंने एक मौरी सा बना रखा है आर्ट का, और फिर नीचे शहीदों के नाम दिए हैं, तो शहीदों को अच्छे से याद रखते हैं जो कि अच्छी बात है। और सहज जा रहा है अब प्लेग्राउंड। चलो जी सहज सामने बीच बिल्कुल प्लेग्राउंड भी बोट वाला है। हाँ बोट वाला प्लेग्राउंड है ये देखिए।
कितनी अच्छी सी एक और प्लेग्राउंड मिली हमें पिक्टन में, बच्चों के साथ हैं तो बच्चे बोर नहीं होने वाले यहाँ पे। तो ये प्लेग्राउंड जो है ना शिप के आकार की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे शिप आते हैं, तो कितनी सुंदर सी प्लेग्राउंड है, साइड भी है, तो काफ़ी खूबसूरत सी प्लेग्राउंड हमको दिखाई दी है यहाँ पिक्टन में। सामने फेरी आ रही है ना पहाड़ों को चीरती हुई, तो ये ब्लू रिज की फेरी है, इसी में हमको जाना है। ये सेम फेरी 2 बजे जाएगी, अभी एक जो ये 1-2 घंटे लगाएगी, यहाँ पे क्लीन होगी, जो सवारियाँ हैं उनको उतारेगी और फिर यही जाएगी। देखिए सहज की उधर मस्ती पूरी, अरे वाह चलो भी सहज आज भाई, वाह पोल से आ रहा है सहज नीचे, अरे वाह तुम तो एक्सपर्ट हो गए बेटा, ये किसने तुमको टीच किया, वेरी गुड जॉब। चलो अब मम्मी ट्राई करेगी, ओ ओ मम्मी का देखिए फेरी है जी, धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पे इनका, इन्होंने डॉक की तरफ वहाँ पे सवारियाँ उतारेगी और उसके बाद हमारी बारी आएगी। अभी 2 घंटे इसको लग जाएंगे, गाड़ियाँ भी इसमें काफ़ी होती हैं, नीचे जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है एरिया, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं और ऊपर जो होते हैं जो इन्होंने बना रखे हैं आदमियों के लिए, और हमारा कैबिन बुक है इसमें। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, एकदम से टर्न ले रहा है ना, तो काफ़ी ये चल रहा है, लेकिन वीडियो में लग रहा होगा कि रुका हुआ है, रुका नहीं है, ये चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा है ये। अभी शिप तुम लग जाओ अच्छे से डॉक पर और आते हैं हम, आपको मिलते हैं थोड़े समय में। अब थोड़ा सा चलते हैं गाड़ी की ओर, शायद को लग गई थी भूख और हम भी फोर्स देर था, वहां पे बनाना ले आए हैं, क्रीम वाले बन लेकर आए हैं और थोड़ी सी चिप्स लेकर आए हैं, तो आज का दिन निकल जाए बच्चों का। बच्चे जब भी तो आपको बताइए कि साथ में है तो इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए, ब्रेड भी खाए पता चले, क्रीम ना खाओ, ओके गुड बेबी है, क्रीम बड़ी पड़ी है, हाँ जी बाद में खा लेते। मुझे ऐसा लगा कि बाहर जैसे जट प्रभजोत घूम रहा हो, पर वो तो कोई और ही था। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्रूज में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, टिल देन गुड बाय।